आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न है, तीव्रता से दुग्ध स्राव करने वाली माताएं सामान्यतया गर्भधारण नहीं करती हैं। पहला विकल्प है गोनेडोट्रोपिन के संदमन यानी कि सप्रेशन के कारण। दूसरा विकल्प है गोनेडोट्रोपिन का अतिश्राव के कारण। तीसरा विकल्प है युग्मक स्थानांतरण के संदमन के कारण। चौथा विकल्प है निषेचन के कारण। तो जो तीव्रता से दुग्ध स्राव करने वाली महिलाएं होती हैं, यानी स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं, उनके रक्त में क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की उपस्थिति में, उनके रक्त में प्रोलैक्टिन हार्मोन की उपस्थिति में कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन की उपस्थिति में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से गोनेडोट्रोपिन का यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि से जो गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स का संदमन हो जाता है। गोनेडोट्रोपिन्स यानी कि FSH तथा LH हार्मोन, इनका क्या हो जाता है, संदमन हो जाता है यानी कि दमन हो जाता है यानी कि सप्रेशन हो जाता है। और ओव्यूलेशन के लिए क्या चाहिए, ओव्यूलेशन के लिए गोनेडोट्रोपिन्स की होना जरूरी है। ओव्यूलेशंस के लिए गोनेडोट्रोपिन्स चाहिए। ओव्यूलेशंस के लिए क्या चाहिए, गोनेडोट्रोपिन्स चाहिए यानी कि FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स चाहिए होंगे ओव्यूलेशन के लिए, तो ओव्यूलेशन होगा नहीं, ठीक है। और गोनेडोट्रोपिन्स की अनुपस्थिति में क्या होगा, जब गोनेडोट्रोपिन्स अनुपस्थित होंगे तो इनके अनुपस्थिति में जो ओवम है वह जारी नहीं होगा, ओवम जारी ही नहीं होगा, तो इसलिए निषेचन की संभावना शून्य हो जाएगी, निषेचन होगा नहीं, तो इसलिए प्रसव के बाद 6 महीने तक निषेचन की संभावना क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसलिए गहन रूप से स्तनपान कराने वाली माताएं या तीव्रता से दुग्ध स्राव करने वाली महिलाएं या माताओं में आमतौर पर गर्भधारण नहीं होता है, वो गर्भधारण नहीं करती हैं। तो जो हमारा पहला विकल्प है वो है गोनेडोट्रोपिन्स के संदमन यानी कि सप्रेशन के कारण, यह बिल्कुल सही है, गोनेडोट्रोपिन का संदमन हो जाता है। गोनेडोट्रोपिन के अतिस्राव के कारण, तो यह गलत है, गोनेडोट्रोपिन्स का अतिस्राव नहीं होता है, उनमें संदमन हो जाता है, दमन हो जाता है, FSH और LH हार्मोन का दमन हो जाता है, वो रिलीज नहीं होते हैं। और युग्मक स्थानांतरण के संदमन के कारण जो तीसरा विकल्प है वो भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा विकल्प है निषेचन के कारण, तो निषेचन तो होगा ही नहीं। तो हमारे प्रश्न, तीव्रता से दुग्ध स्राव करने वाली माताएं सामान्यतः गर्भधारण नहीं करती हैं क्योंकि गोनेडोट्रोपिन्स का संदमन होता है, ये विकल्प पहला विकल्प बिल्कुल सही है। आशा करते हैं कि ये उत्तर आपको समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।